सपने में अपने दुश्मन को देखना या सपने में अपने शत्रु को देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है, जो कि आपको जीवन में अपने अंदर की लड़ाई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जीतने की ओर संकेत करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में खुद को अपने शत्रुओं से लड़ते हुए देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपके अंदर जीतने की प्रबल इच्छा मौजूद है, जो आपको किसी भी काम में सफलता दिला सकती है, अगर आप अपनी निगेटिव साइड को काबू करना सही से सीख जाए तो। लेकिन अगर कोई सपने में लड़ाई में अपने शत्रुओं से हार जाता है, तो यह सपना इसी बात की ओर इशारा करता है कि आपको अपने माइंड की निगेटिव सोच विचार को छोड़कर पॉजिटिव सोच विचार को ही जगह देने की जरूरत है, तभी आपको जीवन में मन चाहे परिणाम हासिल होंगे। लेकिन अगर आप सपने में अपने दुश्मनों को लड़ाई में हरा देते हैं, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि जल्द ही आप जीवन में अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आपके सारे मानसिक डर और चिंताएं जल्द ही पूरी तरह से खत्म होने वाली है। और अगर कोई सपने में खुद को अपने दुश्मनों और शत्रुओं से किसी भी परिस्थिति में घिरा हुआ पाता है, तो यह सपना इसी बात की ओर इशारा करता है कि आपको जीवन में बाहरी लोगों से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है, तभी आप सही मायने में हर तरह से दुश्मनों से छुटकारा पाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। और अगर कोई सपने में अपने दुश्मनों को मार देता है, तो यह सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो कि जीवन में चल रही सभी तरह की परेशानियों के अचानक से ही खत्म हो जाने की ओर संकेत करता है, और आपको जीवन में अपने मन चाहे परिणाम मिल जाते हैं या मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई सपने में अपने दुश्मनों को भागते हुए या चीखते चिल्लाते हुए आपसे माफी मांगते हुए देखता है, तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है, और जागृत जीवन में हर तरह के दुश्मनों से जल्द ही छुटकारा मिलने की ओर संकेत करता है।